त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आज जिला कलेक्टर कक्ष में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतगणना हेतु प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मतगणना दिवस को मतगणना प्रारंभ होने से पहले पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जाने के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति वांछनीय है। चूरू जिला मुख्यालय स्थित मतगणना स्थल राजकीय लुहिया महाविद्यालय में 4 जून को सवेरे 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी यूसुफ अली खान, निर्दलीय प्रत्याशी शिशपाल सिंह राणा, कांग्रेस निर्वाचन अभिकर्ता कुलदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। जिले में आज जहां प्रचंड गर्मी का दौर रहा, वहीं रतनगढ़ में 3 फीडरों से जुड़े लगभग 6000 उपभोक्ता बिजली समस्या से रूबरू हुए। 132 केवी जीएसएस में लगे 2 ट्रांसफार्मर में से एक ट्रांसफार्मर आज खराब हो गया। जोधपुर डिस्कॉम के एईआर नरसीलाल मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस पर लगे ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ। समस्या की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर 132 केवी जीएसएस पर लगे खराब ट्रांसफार्मर को बदलने का काम शुरू किया गया। बिजली नहीं रहने के कारण लोग गर्मी से बेहाल रहे। आक्रोशित लोगों ने डिस्कॉम के अधिकारियों का घेराव भी किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों को मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा, तब जाकर माहौल शांत हुआ। राजकीय सेठ एलन बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में संचालित 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर के 9वें दिन विद्यालय में पंडित दीनदयाल मेडिकल कॉलेज चूरू के एसोसिएट प्रोफेसर और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन बानो ने प्राथमिक उपचार, एनीमिया और मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी दी और उनके रोकथाम के बारे में बताते हुए कहा कि जंक फूड से दूर रहकर हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, आयरन की गोली लें, साल में एक बार कृमि निवारण एल्बेंडाजोल गोली लें, अपने आहार को संतुलित रखें और खाने से पहले हाथों को अच्छे से धोएं, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके। घर में प्राथमिक उपचार पेटी भी रखें, जिससे आकस्मिक स्थिति में उपचार किया जा सके। इस अवसर पर शिविर प्रभारी विजेंद्र कानखेड़िया, सह प्रभारी पूनम चोटिया, रुखसाना बानो आदि उपस्थित रहे। नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए चूरू के युवा आगे आए और परिंडे लगाकर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सेन ने बताया कि चूरू की गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए बूटिया रोड पर 11 पानी के परिंडे लगाए गए हैं। वहीं चूरू की नई सड़क पर नौतपा की बढ़ती गर्मी के कारण समाज सेवी मनोज महेंसरिया के सानिध्य में आज राहगीरों को शीतल पेयजल पिलाकर पुण्य कमाया गया। समाज सेवी महेंसरिया ने कहा कि हर मनुष्य को अपने जीवन में सेवाभावी काम करना चाहिए, जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण हो सके। इस अवसर पर इदरीस खान, नवाब खान, जावेद आदि उपस्थित रहे। चूरू उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत घंटेल में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बिजली, पानी आपूर्ति का भी निरीक्षण किया और ग्रामीणों को जिला प्रशासन द्वारा जारी हीट वेव संबंधी एडवाइजरी की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण परिवेश में बिजली, पानी व चिकित्सा सुविधाएं समुचित और सुचारू रहे। आपातकाल समय में जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठित की है, उसके मोबाइल नंबर सहित सभी कार्मिकों के मोबाइल नंबर अस्पताल के आगे लिखें, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति में सूचना दी जा सके। उन्होंने ग्रामीणों को भी हीट वेव संबंधी एडवाइजरी से अवगत कराया और दोपहर के समय अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के निर्देशानुसार चूरू न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण, अभियोजन अधिकारीगण व अधिवक्तागण के नए आपराधिक कानून 2023 पर जिला परिषद सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज जिला विशेष न्यायाधीश रविंद्र कुमार एवं जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिन 4 सत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम सत्र का प्रशिक्षण डॉक्टर शरद कुमार व्यास, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। द्वितीय सत्र प्रशांत किरण, महेंद्र सैनी, वरिष्ठ विधि अधिकारी। तृतीय सत्र नेपाल सिंह, न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय चूरू व विकास गजराज ACGM आदि ने प्रशिक्षण में भाग लिया। भारत विकास परिषद चूरू द्वारा गर्मी की भीषणता को देखते हुए तथा पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए आज होली धोरा पार्क अग्रसेन नगर में पक्षियों के लिए पानी के परिंडे लगाए गए। इस दौरान ओम प्रकाश तंवर स्थानीय निवासी सज्जन लाटा द्वारा पक्षियों के परिंडों की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला समन्वयक उमेश चौहान, संरक्षक श्याम सुंदर पारिक, अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, वित्त सचिव पवन जांगिर, सचिव पुनीत लाटा, पूर्व सचिव पंकज मिश्र, डॉक्टर भारतेंदु अग्रवाल, प्रमोद कुमार मिश्र, संदीप शर्मा, मदन सिंह राठौड़, अग्रसेन नगर समग्र विकास समिति के अध्यक्ष मदन लाल राजपुरोहित, दीपक कपिला, विनोद जांगिर, सीताराम खरूड़, सुभाष इंदौरिया, एडवोकेट योगेश शर्मा, मनमोहन तिवाड़ी, राजेंद्र सिंह राठौड़, रामचंद्र गोयल, निर्मल तंवर, अनिता मीणा, चंदन मीणा, प्रदीप शर्मा, हरलाल सिंह हुड्डा, विक्रम सिंह शेखावत, गोविंद शर्मा, गणेश सैनी, सुभाष रक्षक, मनीष हरित, अभिषेक पाठक, पवन पुजारी, राकेश मैची, शेर सिंह पूनिया, ओम प्रकाश सैनी सहित प्रताप पार्क टीम के नवीन कालरा, नवरतन महर्षि, कमल शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। पेड़ पौधे पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के घटक हैं। ये जब तक जिंदा रहेंगे, इनका जब तक हम पालन करते रहेंगे, इनकी वृद्धि करते रहेंगे, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। हमारे ऋषि मुनि इस बात को, इस रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने पेड़ पौधे लगाना, उनकी सुरक्षा करना, पक्षियों को चूगा डालना, परिंडे लगाना हमारे संस्कारों में, हमारे रीति रिवाजों में इनको शामिल कर दिया। फल वृक्ष, वो वृक्ष फल देते हैं। इसी प्रकार भारत विकास परिषद की ओर से गत वर्ष प्रताप पार्क में जो पुनीत कार्य किया गया था, परिंडों का कार्य किया गया था, और 10 जो ट्री गार्ड लगवाए गए थे, उनके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आप हर वर्ष इसी प्रकार का कार्य करते रहें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, सफलता, सहयोग, उन्नति प्रदान करें। धन्यवाद। गांव रेड़खला के महाराणा प्रताप स्कूल में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था निदेशक विक्रम पारिक, प्रधानाचार्य संजय कुमार व विद्यालय स्टाफ ने कक्षा 12 में सत्र 2023-24 में कला व विज्ञान वर्ग में अव्वल रहे विद्यार्थियों का प्रतीक चिन्ह व दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कला वर्ग में रोहित कुमार पुत्र बुधाराम ने 97.60% व विज्ञान वर्ग में सविता साहू पुत्री कन्हैयालाल ने 95.60% अंक प्राप्त कर गांव व विद्यालय का नाम रोशन किया है। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में गंभीर स्थिति में उपचाराधीन चूरू निवासी रोगी को अत्यधिक रक्त की आवश्यकता होने पर शिक्षाविद मुजस्सिम भाटी, समून भाटी व एडवोकेट सद्दाम हुसैन की प्रेरणा से चूरू के कुल 8 युवाओं ने जयपुर पहुंचकर ब्लड बैंक में डॉक्टर RM जायसवाल एवं उनकी टीम के सानिध्य में रक्तदान कर रोगी की मदद की। जयपुर के सुप्रसिद्ध महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चूरू निवासी रोगी की गंभीर स्थिति होने पर चूरू के युवाओं को प्रेरित करने पर उन्होंने चूरू से जयपुर आकर रोगी के लिए रक्तदान किया और रोगी की सहायता की। यह रक्तदान डॉक्टर RM जायसवाल के नेतृत्व में किया गया।